यहाँ पांच तरह के की वे अटैचमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं कि किसे किस प्रकार का की वे अटैचमेंट खरीद करना चाहिए। मिलिंग जैसा कोई काम करना है तो ये अटैचमेंट चाहिए। करीबन 20 साल तक ये अटैचमेंट चलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं की वे अटैचमेंट के बारे में। यहां पांच तरह के की वे अटैचमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में यह बताने के लिए ट्राई करूंगा कि किसे किस प्रकार का की वे अटैचमेंट खरीद करना चाहिए। दोस्तों, मैं जिस मशीन के बाजू में खड़ा हूं, ये मशीन है पावर हाउस। पावर हाउस यानी बंका 60 मशीन। अब बंका 60 मशीन ताकत की मिसाल है। हमारे कई ग्राहक इसे पसंद करते हैं, लेकिन आज लंबी शाफ्ट को टर्निंग करने के साथ साथ जब उसमें कीवे करना है या कोई मिलिंग जैसा काम करना है या कोई फेस कटर चलाना है, कोई भी ऑपरेशन समझो, हमें मिलिंग जैसा कोई काम करना है तो ये अटैचमेंट चाहिए। अब क्या होता है कि 5 लाख रुपए के मशीन के साथ साथ अगर ये 20-25 हज़ार का ये अटैचमेंट आप खरीद ना कर लो तो मुश्किल ये आने वाली है कि जब आपको कोई काम आएगा उस वक्त इसे मिलिंग के ऊपर ले जाना पड़ेगा और यहाँ आपके वक्त की बर्बादी होने वाली। इससे बचने के लिए इस मशीन के साथ साथ अगर आप ये कीवे अटैचमेंट भी सही प्रकार का पसंद कर लेते हो तो आपको सालों तक, करीबन 20 साल तक ये अटैचमेंट चलेगा और उससे आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। अब पांच प्रकार के कीवे अटैचमेंट में से सबसे पहले जो मैं आपको कीवे अटैचमेंट दिखाने वाला हूँ, ये दो प्रकार के कीवे अटैचमेंट हैं। पहला ये और दूसरा मेरे बाजू वाले 60 मॉडल में लगा हुआ है। अब दोनों कीवे अटैचमेंट में से दोनों का मैं आपको आंकलन करके समझाने वाला हूँ कि कौन सा कीवे अटैचमेंट ज़्यादा ताकतवर है, वाइब्रेशन कम आता है और बड़ी कट ले सकता है, और कौन सा कीवे अटैचमेंट ज़्यादा फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब उसके अंदर फंक्शंस ज़्यादा है लेकिन उसकी ताकत है वो लिमिटेड है। तो आज के वीडियो में दोनों यहाँ कीवे अटैचमेंट है तो उसको चला करके, कीवे निकाल के, फेसिंग करके, उसकी ताकत की पूरी एग्जामिनेशन करके ये वीडियो में मैं आपको अगले 2 मिनट में दिखाने वाला हूँ। दोनों में से कौन सा कीवे अटैचमेंट मजबूत है? लेकिन एक कीवे अटैचमेंट में 2 mm की कट भी लग सकती है, जबकि दूसरे कीवे अटैचमेंट में 0.5 mm की भी कट लगाए तो मुश्किल होती है। और ये मुश्किल इतनी होती है कि देखिए, हमारा चक का एक जो टूट गया,
अब कटर भी खुल गई, चक का एक जो भी टूट गया और ये आपके सामने है। तो आप किसी भी कीवे अटैचमेंट को खरीदने से पहले कृपया बहुत सारा सोचें और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, जो मजबूत लगे, जो सालों साल तक आपके साथ रह सके, ऐसा कीवे अटैचमेंट खरीद करें। अब दोस्तों आपने ये तो देख लिया कि इस वाले कीवे अटैचमेंट में वाइब्रेशन मिलता है, कम ताकत वाला ये कीवे अटैचमेंट है, इसमें मुश्किलें आती है, इसमें छोटी कट लग सकती है, लेकिन इसमें क्यों छोटी कट लगती है, क्यों वाइब्रेशन आता है, अगर ये मुझे पूछो तो सबसे पहले मैं मेरा हाथ ले जाऊंगा नीचे यहाँ पर, ये और ये दोनों अलग जोड़ है। ये जो कास्टिंग का पीस है इसके अंदर ये कास्टिंग का पाइप लगा हुआ है, मतलब ये दोनों अलग है, इसकी वजह से यहाँ नीचे से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। और दूसरी मुश्किल ये भी है कि ये जब एक तरफ से इसको लोड आता है, यहाँ से फोर्स आता है, तो ये खुद ऐसे घूम जाए, ऐसा भी होना वाजिब है, क्योंकि इसका जो पकड़ है वो इसके ऊपर ये कास्टिंग ने ऐसे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ आपको दिखेगा और ये बोल्ट है वो इसको पकड़े रखता है, तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स आने से ये मुड़ जाए ये भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा जोड़ होने से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो जिसमें कम से कम जोड़ हो ऐसा कीवे अटैचमेंट अगर आप पसंद करेंगे तो बड़ा कट ले पाएंगे। तो ये जो वाला कीवे अटैचमेंट है उसे मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। दोस्तों अब देखिए ये कीवे अटैचमेंट में जो स्पिंडल है वो बॉडी के अंदर ही लगा हुआ है, कोई अलग से पुर्जा नहीं है, तो इसके ऊपर जो ये चक का स्पिंडल है वो बॉडी के अंदर ही है, तो पूरी ताकत से यहाँ क्लैंप किया हुआ। अब इसके ऊपर मैंने कुछ कट भी लगाया हुआ है, टेस्टिंग भी किया हुआ है, मैं इसमें बड़ा कट ले पा रहा हूँ, मेरे पास कटर भी अच्छा है, लेकिन यही कटर जब मैंने उस वाले मॉडल के ऊपर लगाया और 2 mm बड़ी कट स्टार्ट की तो मेरी कटर की टिप टूट गई। इसका मतलब ये है कि अगर पकड़ अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तब ये टिप टूट जाती है और आपका नुकसान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 कीवे अटैचमेंट पड़ी हुई है, मैं आपको नीचे पड़ी हुई सबसे बीच में पड़ी हुई कीवे अटैचमेंट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर ड्रिल चक लगा हुआ है, उस वाले कीवे अटैचमेंट में हमने देखा था कि ट्रू चक लगा हुआ, ये ड्रिल चक है, तो इसमें आप ऐसी छोटी एंड मिल कटर लगा सकते हैं। अब एंड मिल कटर लगाने से क्या होता है कि आप करीबन 10-12 mm का काम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और मॉडल भी आता है जो थोड़ा हैवी स्पिंडल के साथ आता है, इसमें 3 mm से लेकर के 12 mm का काम हो जाता होगा, लेकिन अगर आपको 5 mm से लेकर के 19 mm तक का काम करना है तो ये बड़ा ड्रिल चक वाला, बड़ा स्पिंडल वाला एक मॉडल भी आता है, वो लेना चाहिए।
लेकिन अब सस्ता मशीन अगर कोई लेना चाहता है और कीवे भी करना चाहता है तो उसके लिए ये जुगाड़ है। इसका और इसका कैसे कीवे बनता है उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, और ये रेड कलर का जो कीवे वाइस है उसमें दो मॉडल्स आते हैं, दोनों मॉडल्स का प्राइस अलग अलग है और दोनों मॉडल जो है ये बहुत बिकते हैं। आपको ये अगर ख़रीदना है तो ये सस्ता भी पड़ता है, लेकिन इसका एक मुश्किल ये है कि इसमें छोटे छोटे जॉब जो होते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई लंबा शाफ्ट है तो ये इसमें नहीं हो पाएगा। अब ये है, इसे मैं मिलिंग अटैचमेंट कहूँगा क्योंकि ये कीवे के लिए तो है, लेकिन ये इसमें मिलिंग का काम भी हो सकता, एक तरह से ये एक जुगाड़ है। इसे आप खुद भी अपनी फैक्ट्री में भी बना सकते हैं या हमसे भी खरीद सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एक स्लाइड जो ऊपर नीचे हो रहा है उसके ऊपर हमने ये ड्रिल वाइस लगा दिया है। ये ड्रिल वाइस जो है अगर आप हमसे खरीदते हैं तो इसमें अलग अलग साइज भी मिलती है। ये मैंने हालांकि छोटा कीवे वाइस लगाया है, लेकिन अगर आप बड़ा थोड़ा वाइस लगा दो तो इसमें बड़ा जॉब भी लग सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जॉब को अगर आप वाई एक्सिस में ऊपर नीचे मूव करना चाहो तो भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी जॉब के अंदर स्क्वायर बनाना है तो ये एनमिल कटर से स्क्वायर भी बन सकता है। अगर आपको 10 mm की कटर से 15-16 mm का कीवे बनाना है तो भी आप इसमें बना सकते हो। ले इसी तरह से बहुत सारे काम इसमें हो सकते हैं। लेथ मशीन के साथ साथ हमें ऐसे अटैचमेंट हमारे फ्लोर के ऊपर रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी ऐसा मुश्किल वाला काम आता है उस वक्त हमारा समय बचता है, हमें वो जॉब लेके मिलिंग के ऊपर जाना नहीं पड़ता है। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बंका में प्रोड्यूस हुआ हर सामान अच्छे से अच्छे मशीनिस्ट और बड़ी से बड़ी कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को संतुष्ट कर सके, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं। और यह प्रोडक्ट किसी भी तुलनात्मक प्रोडक्ट के मुकाबले अच्छे परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अब बंका मशीन के इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ कौन कौन से मशीन बन रहे हैं। यहाँ पर कुछ लेथ मशीन खड़े हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको स्लोटिंग मशीन बनता हुआ भी दिखाई देगा। ये स्लोटिंग मशीन कलर किया हुआ है, ये अभी कलर करना काम आधा हुआ है। और ऐसे ही हम ऐसी छोटी ड्रिल मशीन भी बनाते हैं और ये जो है वो आधे बने हुए ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन है। तो इसमें ड्रिल का काम भी होता है और मिलिंग का काम भी होता है और ये लगभग 80,000 में आपके पास पहुंच जाता है। और ऐसे ही वहाँ पे बैंडसो मशीन जो लोहे के राउंड और स्क्वायर बार को काटने के लिए बनता है वो भी हमारे पास है। कंप्रेसर से लेके टूल तक, छोटी से छोटी टूल से लेकर कर बड़ी से बड़ी मशीन को अगर आप खरीदना चाहते हैं जिसमें शेपिंग हो, मिलिंग हो, लेथ हो या हाइड्रोलिक प्रेस हो, किसी भी चीज़ को अगर आप खरीद करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे सेल्समैन के दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको प्राइस बताया जाएगा। वहां तक आपके सिटी तक पहुंचाने की कीमत जोड़कर, मतलब आपको डिलीवरी प्राइस के अंदर फ्री मिलने वाली है। दोस्तों, बंका मशीन के वीडियो में ऐसे ही विषय को देखने के लिए जुड़े रहे। अगर वीडियो में इंफॉर्मेटिव बात जानने को मिली है लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपको कोई सवाल है, आप किसी बात में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें।
मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपको जवाब भी दूंगा हर कमेंट का, लेकिन अगर आप प्राइस पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सेल्समैन के नंबर के ऊपर प्राइस जान सकते हैं।